हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर प्रणव कुमार। आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं कि इंडिया ने वर्ल्ड को क्या क्या दिया है, इसके बारे में आज जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कुछ गलती हमारी भी रही है शुरू से, जिसके चलते क्या हुआ है कि काफी सारे इन्वेंशन इंडिया में ऐसे हुए जिनको हम लोग अपने नाम से पब्लिश नहीं कर पाए या उनका पेटेंट नहीं ले पाए। तो आज डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने वर्ल्ड को क्या क्या दिया है। काफी लोग ऐसे होंगे जिनको ये चीजें पता ही नहीं है, और इसीलिए पता ही नहीं है कि हमारे देश ने क्या क्या पूरे वर्ल्ड को दिया है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करना शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि गौमूत्र भी, जिसके बारे में एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आयुर्वेद में आता है, उसका भी पेटेंट अमेरिका ने लेकर रखा हुआ है, वो भी पेटेंट हमारे पास नहीं है। तो ऐसी काफी सारी चीजें हैं, बट हम लोग आज जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ये चीजें शुरू हुई थी और कहां से इनका इन्वेंशन हुआ और किसने इन्वेंशन किया। सिविल सर्विसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप एक एक पॉइंट को नोट कर लीजिएगा जो भी मैं कह रहा हूं, और उसका रेफरेंस कहां से दे रहा हूं, यानी किस बुक से रेफरेंस लेकर बता रहा हूं, उसको भी नोट कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले अगर बात करें तो सबसे पुरानी जो स्क्रिप्ट मिलती है वो स्क्रिप्ट मिलती है देवनागरी, और देवनागरी स्क्रिप्ट में ही संस्कृत लैंग्वेज लिखी हुई है। तो वर्ल्ड की जो सबसे पुरानी भाषा है, यानी सबसे पुरानी जो लैंग्वेज है, उसको संस्कृत को मानते हैं, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इस बात को पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है और पूरी वर्ल्ड इस बात से अग्री करती है। बट आपको पता होना चाहिए कि उससे पहले भी इंडिया में एक लिपि थी, यानी एक स्क्रिप्ट थी, जिसको ब्राह्मी कहते हैं, और ब्राह्मी स्क्रिप्ट में काफी सारी चीजें लिखी हुई है, जिसकी एविडेंसेस मिलती है आपको बोध गया में जाने से। क्योंकि जब अशोक किंग थे तब उन्होंने बहुत सी चीजों को दीवारों पर लिखवाया है ब्राह्मी स्क्रिप्ट में। उनके सिंबल्स मिलते हैं, बट उनको अभी ट्रांसलेट कर पाए ऐसा कोई भी है नहीं, और वो चीज धीरे 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 कम होती चली गई है। बट उसका सबसे पहले अगर हम लोग देखें तो सबसे पहला जो एविडेंस मिलता है वो मिलता है ब्राह्मी स्क्रिप्ट का, और उसके बाद आई है देवनागरी। तो इसका मतलब इंडिया में उससे पहले भी स्क्रिप्ट थी। तो जो स्क्रिप्ट बनाएगा वही बोलना भी सिखाएगा, जो लिखना सिखाएगा, जब जो भाषा सिखाएगा वही बोलना भी सिखाएगा। तो ऑब्वियसली बोलने की शुरुआत और अपने फीलिंग्स, इमोशन, हर चीज को एक्सप्रेस करने की जो शुरुआत होती है वो लैंग्वेज के थ्रू होती है, और उसकी भी शुरुआत हमने ही की होगी। सेकेंडली, अगर हम लोग बात करें, इंडिया में काफी सारे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। चक्रवर्ती सम्राट के डेफिनेशन को पहले समझते हैं। जो एक गांव का राजा होता था उसको कहते थे सरपंच, जो 10 गांव का राजा होता था उसको कहते थे नायक, जो 100 गांव का राजा होता था उसको कहते थे समन, जो 1000 गांव का राजा होता था उसको कहते थे राजा, जो 10,000 गांव से ज्यादा पे राज करे उसको कहते थे महाराजा, जो 1,00,000 गांव से ज्यादा पे राज करे उसको कहते थे सम्राट, और जो 7,00,000 गांव से ज्यादा गांव पे राज करे उसको कहते थे चक्रवर्ती सम्राट। तो इंडिया में काफी सारे चक्रवर्ती सम्राट हुए, उनमें से एक बहुत फेमस है जिनका नाम है सम्राट हर्षवर्धन। महाराजा हर्षवर्धन काफी पॉपुलर चक्रवर्ती सम्राटों में से एक थे। उन्होंने एक बुक लिखी है हर्षचरित्रम, और हर्षचरित्रम में उन्होंने जो भी चीजें इन्वेंट किए उसके बारे में उस बुक में पता चलता है। जैसे बाबर, जो भी पहले किंग होता था वो अपने नाम से एक बुक लिखाता था, बाबर ने जो भी अचीवमेंट्स किए थे वो उसकी डिटेल्स आपको बाबरनामा में मिलेगी। अकबर ने जो भी डिटेल अपने टाइम पे जो कुछ भी चेंजेस किए या रिफॉर्म्स लाए हैं या जो कुछ भी चीजों को शुरू कराया था उसके बारे में आपको अकबरनामा में मिलेगा। वैसे ही चक्रवर्ती सम्राट जो हर्षवर्धन थे उनकी बुक है हर्षचरित्रम, और हर्षचरित्रम में बहुत सारी चीजें पता चलती है। जैसे सबसे पहले तो यह समझना होगा कि वो राजा बनने से पहले वो एक साइंटिस्ट थे और बाद में राजा बने थे। उनको केमिस्ट्री की, केमिकल प्रॉपर्टीज का बहुत ज्यादा आइडिया था। तो सबसे पहले जो आइस बनाने का जो क्रेडिट जाता है वो भी राजा हर्षवर्धन को ही जाता है, क्योंकि हर्षचरित्रम बुक में ये चीजें क्लियर की हुई है। और जैसे कि पता है कि आइस के बारे में पता चला कि आर्टिफिशियली आइस कैसे तैयार करते हैं, इसके बारे में पता चला 18th सेंचुरी में, और साइंस मानता है कि 18th सेंचुरी के बाद ही हम लोग आर्टिफिशियली आइस क्रिएट कर सकते हैं। बट उससे भी 1500 साल पहले की बुक जिसका नाम है हर्षचरित्रम, उसमें राजा हर्षवर्धन ने आइस को आर्टिफिशियली कैसे बनाया जा सकता है इसके बारे में पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है। क्योंकि उनकी बेटी को एक बार बहुत ज्यादा फीवर हुआ और उस फीवर से उसको बाहर निकालने के लिए उन्होंने आइस थेरेपी की यूज की थी। तो आइस थेरेपी को यूज करने के लिए आइस बनाना बहुत जरूरी था। आइस बनाने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है, एक तो बहुत लो टेम्परेचर होना चाहिए और लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों का जब सही तरीके से ख्याल रखा जाएगा तभी आइस बन सकता है। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन हर्षचरित्रम में मिल जाती है, जो कि 18th सेंचुरी से 1500 साल पहले ही मिलती है। तो आइस बनाने का क्रेडिट भी इंडिया को ही जाता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें
जैसे आर्यंस का कॉन्सेप्ट हम लोग इंडिया में मानते हैं, वैसे ही सेम जर्मनी में भी आर्यंस का कॉन्सेप्ट माना जाता है। आपने हिटलर की भी मेरी सीरीज देखी होगी तो उसमें पता होगा कि आर्यन फिलोसफी के बारे में वो लोग भी बात करते हैं। तो जर्मनी में जो साइंटिस्ट हुए हैं या जो जर्मन साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने संस्कृत लैंग्वेज पे काफी ज्यादा फोकस किया, और लगभग 14 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज है जर्मनी में जहां पे संस्कृत की पढ़ाई होती है, और एक तो कंप्लीटली संस्कृत लैंग्वेज को ही डेडिकेटेड यूनिवर्सिटी है जहां सिर्फ संस्कृत की पढ़ाई होती है। काफी सारे रिसर्च वर्क हुए जर्मनी में जो संस्कृत पे बेस्ड है, और यहां तक कि अगर आप देखेंगे कि उनके एयरलाइंस का नाम भी जो सबसे पॉपुलर है वहां पे लुफ्थांसा एयरलाइंस, वो भी आया है लुफ्थांसा से, मतलब वो हंस जो खत्म हो गया है, लुप्त हो गया है, वहां से उन्होंने नाम रखा है लुफ्थांसा। आगे हम लोग बात करते हैं तो महर्षि चरक एक बहुत बड़े ऋषि हुए जिन्होंने आयुर्वेदा पे बहुत काम किया था। तो महर्षि चरक ने जो जो चीजें निकाली आयुर्वेदा में उससे रिलेटेड चीजों को लेकर के एक स्पेशल ब्रांच तैयार किया गया है जर्मनी में जिसकी पढ़ाई वहां पे होती है। उस ब्रांच को कहते हैं चर्कोलॉजी, और चर्कोलॉजी ब्रांच में महर्षि चरक ने जो भी आयुर्वेदा में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज बताई है उसके बारे में ही पढ़ाया जाता है। तो जर्मनी कहीं ना कहीं संस्कृत लैंग्वेज से भी बहुत इंस्पायर्ड है और काफी रिसर्च वर्क करते हैं वो इंडियन स्क्रिप्चर्स के साथ भी। इसके बाद अगर हम लोग बात करें इंडिया में जो सबसे पहले सर्जन हुए हैं वो हुए हैं महर्षि सुश्रुत। अगर आप मॉडर्न मेडिकल साइंस की बात करें तो अभी जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स दिखते हैं, बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट वो सारे मिलते हैं सुश्रुत संहिता बुक में जो कि 2000 साल पहले लिखी गई है। आप अगर सुश्रुत संहिता बुक को ले तो उसमें अभी जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं जो 18th सेंचुरी में इन्वेंट हुआ, बट वहां पे वो सारे सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में ऑलरेडी बताया हुआ है, उनकी पिक्चर्स दी गई हैं और बताया गया है कि वो कैसा होगा और कैसा उसे होना चाहिए। महर्षि सुश्रुत जो थे वो ज्यादातर टाइम किसी भी शमशान घाट के सामने ही अपना आश्रम बना करके बिताते थे। इसीलिए बिताते थे क्योंकि वो जो भी लाश होता था उस पे मुर्दा पे एक्सपेरिमेंट्स करते थे, सर्जिकल एक्सपेरिमेंट्स, और अपने शिष्यों को भी बताते थे। तो सुश्रुत संहिता आप अगर पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों की उसमें आपको डिटेल्स मिलेंगी, जैसे सर्जरी के बारे में पता चलेगा, चाहे वो आई से रिलेटेड सर्जरी हो, कैटरैक्ट सर्जरी हो, या यूट्रस से रिलेटेड कोई सर्जरी हो, या किसी भी तरह की चीज हो इस तरह की, उनसे रिलेटेड सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, उनका ट्रीटमेंट और सर्जरी का प्रॉपर प्रोसेस, इसके बारे में सुश्रुत संहिता में पूरे तरीके से डिस्क्राइब है। मेरे पास वो बुक है, मैंने पढ़ी है, आपको भी मार्केट में वो बुक मिलेगी, अगर आप किसी जगह से ले सकते हैं तो आपको वो सारी चीजें दिखेंगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो महर्षि चरक ने बुक लिखी थी चरक संहिता, वो भी मार्केट में अवेलेबल है, जिसमें कि आयुर्वेद के बारे में बहुत डिटेल में डिस्क्राइब किया हुआ है, डिटेल डिस्क्रिप्शन आपको हर चीजों का मिल जाता है। इसके अलावा एक ऋषि हुए हमारे यहाँ पे वाग्भट। वाग्भट ने सबसे ज्यादा काम किया है डाइट एंड न्यूट्रिशन पे। वाग्भट ने त्रिफला के प्रॉपर्टीज के बारे में बताया है। वाग्भट ने यह बताया है कि किसी भी चीज को सही तरीके से डाइजेस्ट करने के लिए और बॉडी को प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि 5 तरह का टेस्ट जिन चीजों से मिले वो हम लोग लें। हम लोग क्या लेते हैं, अभी कुछ कुछ चीजें नहीं लेते, इसीलिए आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो बहुत कम लोग फिट है। एलोपैथी के हिसाब से देखें तो बहुत ज्यादा लोग फिट है, बट आयुर्वेद के हिसाब से भी बहुत कम लोग फिट है। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि 5 तरह की चीजें जरूरत होती है। सॉल्टेड चीज चाहिए, खट्टा चाहिए, मीठा चाहिए, कड़वा चाहिए और कस्सा चाहिए। अभी समझते हैं ये कैसे। सॉल्टेड चीजें तो हम लोग ले लेते हैं, मीठा भी ले लेते हैं, खट्टा भी लोग कम लेते हैं। इसके अलावा कड़वा जैसे करेला है, नीम है, ये भी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है, जो अभी मॉडर्न साइंस मानती है उसके बारे में भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है। एंड कस्सा मतलब ऐसी चीजें होती है जैसे कि हरडे है, आंवला है, इन सारी चीजों का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे बॉडी को हेल्दी रखने में, फिट रखने में। तो इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उतना पहले एक्सप्लेन किया। पहले मॉडर्न मेडिकल साइंस वाले इन चीजों को नहीं मान रहे थे, लेकिन अभी तो इन सभी चीजों पर बिलीव कर लिया गया, इसीलिए आजकल ज्यादातर हर्बल प्रोडक्ट्स और हर्बल मेडिसिन पे फोकस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो उषा पान की थ्योरी हो या एम्प्टी स्टमक में पानी पीने की जो बात होती है, इसके बारे में जापानीज लोग सबसे ज्यादा रिसर्च करते हैं। 40 साल से ज्यादा उन्होंने रिसर्च में निकाला है और अरबों रुपए खर्च किए हैं, बट इसके बारे में भी आप अगर देखेंगे तो वाग्भट ने वाग्भट संहिता में एक्सप्लेन किया है। उन्होंने बताया है कि जब सुबह हम लोग नींद से उठते हैं तो हमारे स्टमक में उस टाइम तक सबसे ज्यादा एसिड फॉर्म होकर के रहता है, और एसिड अगर ज्यादा रहेगा तो उससे बॉडी में हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी।
तो हमारे बॉडी में जरूरत होगी उस टाइम पे उस चीज की जो एल्कलाइन नेचर की हो, क्योंकि एल्कलाइन चीज अगर बॉडी में जाएगी तो वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी। हमारा जो सलाइवा है यानी मुंह की लार है वो बहुत ज्यादा एल्कलाइन है, तो अर्ली मॉर्निंग में अगर पानी पीते हैं एम्प्टी स्टमक में तो वो सलाइवा पेट में जाता है पानी के साथ में और वो उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक पे पानी पीना बहुत जरूरी है, जो आज जापानीज लोग 40 साल के रिसर्च के बाद मान रहे हैं वही चीज ऑलरेडी उन्होंने 2000 साल पहले बताई है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें प्लास्टिक सर्जरी की, तो देखिए ब्रिटिश गवर्नमेंट में जो कर्नल रहे हैं उनकी डायरी में से यह डिस्क्रिप्शन निकल करके आता है कि एक बार हैदर अली के साथ में, जो साउथ के किंग थे, उनके साथ में ब्रिटिश आर्मी की वॉर हुई, लड़ाई हुई। उस लड़ाई को लीड कर रहे थे कर्नल कूट ब्रिटिश के तरफ से। तो जब कर्नल कूट और उनकी पूरी सेना बुरी तरीके से हार जाती है वो लड़ाई, तो कर्नल कूट को हैदर अली के सामने लाया जाता है। जब हैदर अली के सामने उनको लाया जाता है तो वो उसे जान से नहीं मारते, जान से मार सकते थे पर जान से नहीं मारते, वो क्या करते हैं उसका सिर्फ नाक काट करके उड़ा देते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। वो जब वापस जाता है तो बेलगाम के पास, जो कर्नाटका में जगह है बेलगाम, वहां पर वो आता है और वहां पर उसे एक वैद्य मिलता है। तो वैद्य उससे पूछता है कि आपको ये चोट कैसी लगी, तो वो बताता है कि नहीं मेरा एक्सीडेंट हो गया था। तो वैद्य कहता है कि नहीं ये एक्सीडेंट की निशानी नहीं है, ये तो किसी धार वाली चीज से इसको उड़ाया गया है। तो वो बताता है कि हाँ ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था। तो वो उसको अपने आश्रम में लेकर के जाते हैं और वहां पे एक पेस्ट लगाते हैं और उनकी नाक को प्रॉपर तरीके से जोड़ देते हैं। फिर उनको एक पेस्ट बनाकर देते हैं, बोलते हैं कि ये लेके जाओ और रोज लगाना ताकि वो निशान भी वहां से गायब हो जाए। कुछ टाइम तक वो ऐसा करते हैं, उसके बाद वो निशान भी उनकी गायब हो जाती है। तो ये जो प्लास्टिक सर्जरी की जो बात हुई, तो कर्नल कूट उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे साथ चलिए और हमारे लोगों को भी ये चीज सिखाइए। बट वो कहते हैं कि मेरे साथ में चलने की कोई जरूरत नहीं, ये तो हमारे गांव-गांव में जो भी वैद्य होते हैं वो लोग इस तरह का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। इसके बाद कर्नल कूट ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस बात को एक्सेप्ट किया है कि मेरी नाक कटी हुई थी और उन्होंने ऐसा इस तरह की सर्जरी की जिसकी कोई निशान भी नहीं है और ये चीज बिल्कुल सही हो गया। तो प्लास्टिक सर्जरी का भी एविडेंस मिलता है कि इंडिया में बहुत पहले शुरू हुआ। इसके अलावा माइनिंग की बात करें तो माइनिंग का काम भी सबसे पहले इंडिया में ही शुरू हुआ। जैसे हम लोगों को पता है कि ओर एंड मिनरल्स बहुत ज्यादा मिलता है इंडिया में, तो माइनिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज भी इंडिया में बहुत पहले होती थी, क्योंकि 17th सेंचुरी में ही ब्रिटिश के कुछ फिलोसोफर्स यहाँ पे आए थे और उनके बाद जब आर्कोलॉजिस्ट भी आए थे, वो लोग जब वापस गए तो उन्होंने बताया कि इंडिया में 15,000 से ज्यादा छोटी छोटी फैक्ट्रीज ऐसी जिनमें स्टील बनाया जाता है और वो बेस्ट क्वालिटी का स्टील है। बेस्ट क्वालिटी का स्टील बनाने की जो थ्योरी है जो पूरे वर्ल्ड को मिली है वो बहुत लेट से मिली है, बट 17th सेंचुरी से भी काफी पहले इंडिया में बेस्ट क्वालिटी का स्टील बनता था। और वो बनता कैसे था, पहले हम लोग ओर को निकालते थे, माइनिंग होती थी, उससे ओर निकलता था। तीन ओर होते, हिमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड आयरन पाइराइट। इन तीनों ओर को हाई टेम्परेचर पे बॉयल किया जाता था, तब वो कन्वर्ट होता था आयरन में। अब ओर से जब एक्सट्रैक्ट करके आयरन को निकाला जाता था तो फिर उस आयरन को आगे हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे ले जाते थे। वो कैसे पॉसिबल था, आयरन को हाई मेल्टिंग पॉइंट पे ले जाने के लिए सबसे जरूरी है उसका 16 डिग्री टेम्परेचर तक का हीट देना। वो हीट हम लोग प्रोड्यूस करते थे कोल के थ्रू, क्योंकि कोल में वो कैपेसिटी है, तो उसके थ्रू हम लोग आयरन को कन्वर्ट करते थे। मतलब हम लोगों को कन्वर्जिंग प्रॉपर्टीज पता थी कि आयरन को स्टील में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो स्टील का भी जो कन्वर्जन का प्रोसेस है, जो मेथड है, वो इंडिया से ही दिया गया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, और भी काफी सारी चीजें हैं जो इंडिया ने पूरे वर्ल्ड को दी है। जैसे कि हम लोगों को पता है कि 17th दिसंबर 1903 में फर्स्ट टाइम पे फ्लाइट का डेमो हुआ, जो 120 फीट तक गया था और उसके बाद गिर गया था। ये डेमो हुआ था अमेरिका के साउथ कैरोलिना बीच में, और ये डेमो जो हुआ उसमें ये 120 फीट तक गया, उसके बाद में गिर गया था। बट आपको पता होना चाहिए कि इससे पहले 1895 में ही इसका डेमो हो चुका था मुंबई के चौपाटी बीच पे, और 1500 फीट तक ये बहुत अच्छे तरीके से उड़ी थी और उसके बाद उसको सक्सेसफुली लैंड कराया गया था। और इसको किया किसने था इन्वेंट, इसको इन्वेंट किया था शिवकर बापूजी तलपड़े ने, जो चीरा बाजार के पास में रहते थे, उन्होंने ही बनाया था। और किस पे बेस्ड ये जो उन्होंने जो मॉडल तैयार किया था उसकी थ्योरी उन्होंने कहां से ली थी, उसकी थ्योरी उन्होंने ली थी महर्षि भारद्वाज की एक बुक है विमान संहिता, वहां से।
उस बुक में टोटल 8 चैप्टर्स हैं जिसके 100 खंड है और उसमें 32 ऐसे मेथड्स बताए गए हैं जिससे कि हम लोग 32 से ज्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ विमान यानी कि ये एयरक्राफ्ट या फ्लाइट बना सकते हैं, फ्लाइट को बना सकते हैं। तो एयरक्राफ्ट को भी बनाने के बारे में डिटेल्स में 2,500 साल पुरानी किताब जिसको हम लोग कहते हैं विमान शास्त्र संहिता या विमान शास्त्र उसमें मिल जाता है। इसके अलावा जब उन्होंने डेमो दिया था 1895 में तो उस डेमो को देखने के लिए उन्होंने बहुत सारे इंटेलेक्ट्स को इनवाइट किया था। उसमें से एक थे चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे जो महावीर गोविंद रानाडे वो वहां पे प्रेजेंट थे। उसके अलावा बड़ौदा के जो किंग थे गायकवाड़ वो भी वहां पे प्रेजेंट थे जब ये डेमो दिया गया था। बट उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद प्रॉब्लम हुई है कि उनके पास पैसे नहीं थे इसके और ज्यादा काम करने के लिए। तो उस टाइम पे इंग्लैंड के रेली ब्रदर्स ने आकर उनको एक प्रपोजल दिया कि आप अपना इसका जो भी मेथड आपने बनाया है, जो भी इसकी ब्लूप्रिंट बनाई है वो हमें दीजिए, हम इस पे और काम करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे और इसको और अच्छे तरीके से डेवलप करके आपको देंगे। उन्होंने ये चीजें उनको दी, उसके बाद उनके साथ धोखा हुआ और उनके साथ धोखा तो हुआ ही। उसके बाद रेली ब्रदर्स ने इसको बेचा आगे व्हाइट ब्रदर्स को यूएसए में और उन्होंने 1903 में अपने नाम से इसका पेटेंट लिया। इसके बाद अगर हम लोग बात करें वैदिक मैथ्स, वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसा मैथमेटिक्स का सिस्टम है जिसके थ्रू आप कैलकुलेशन को अपने माइंड में कर सकते हैं विदाउट यूजिंग पेन पेपर एंड कैलकुलेटर। सपोज आपको 3 डिजिट का कोई नंबर दिया, उसको दूसरे 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए बोला जाए, आप 3 से 4 सेकंड में उसको मेंटली मल्टीप्लाई करके बता देंगे, ना पेन पेपर की जरूरत है ना कैलकुलेटर की जरूरत है। वैदिक मैथमेटिक्स में ऐसे 17 सूत्र हैं जिनको अगर आप सीख जाते हैं तो आप बहुत इजीली कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को भी मेंटली कैलकुलेट करके बता देंगे विदाउट यूजिंग पेन पेपर एंड कैलकुलेटर। वैदिक मैथमेटिक्स की जो बुक है ये मार्केट में अवेलेबल है। इसको बनाया था स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने, ये शंकराचार्य हुए हैं, स्वामी भारतीय कृष्ण तीर्थ जी महाराज इन्होंने लिखी है ये बुक वैदिक गणित एंड इसका इंग्लिश वर्जन भी मिलेगा वैदिक मैथमेटिक्स के नाम से। ये मार्केट में अवेलेबल है, आप चाहे तो बच्चों को दिखा सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें आर्यभट्ट की तो आर्यभट्ट ने काफी सारे ऐसे इन्वेंशन किए थे जिसके बारे में वर्ल्ड को पहले पता नहीं था। जैसे आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बोला था कि सन प्रेजेंट है एक जगह में और बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वो डिफरेंट ऑर्बिट में सन के चारों तरफ में रिवॉल्व होते हैं, ये थ्योरी सबसे पहले उन्होंने ही दिया था। इसके अलावा आर्यभट्ट ने यही बताया था कि बाकी प्लैनेट्स के पास में अपनी लाइट नहीं है, अपनी रोशनी नहीं है, वो उनपे सिर्फ रोशनी इसलिए पहुंचती है क्योंकि सन बीच में रोशनी पहुंचाने का काम करता है, तो सन के थ्रू ही उनमें रोशनी पहुंचती है। और आगे उन्होंने ये भी बताया था कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है, इसी के चलते दिन और रात होता है। आर्यभट्ट ने आगे ये सारी चीजें बताई कि एक साल जो होगा वो 365 डेज का होगा, 7 डेज का वीक होगा, ये उन्होंने ही बताया है आर्यभट्ट ने। और उसके अलावा भी जीरो का इन्वेंशन भी उन्होंने किया है, नंबर सिस्टम का इन्वेंशन भी उन्होंने किया है। तो जो जीरो सिखाएगा, जो नंबर सिस्टम सिखाएगा, वही तो बेसिक कैलकुलेशन भी आगे सिखाएगा। तो इससे ये चीज क्लियर हो जाता है कि बेसिक कैलकुलेशन जो पूरे वर्ल्ड को सिखाया गया है वो इंडिया ने ही सिखाया है। इसके अलावा सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस आर्यभट्ट ने दे दी है आज मॉडर्न साइंस में भी वही डिस्टेंस को प्रॉपर डिस्टेंस माना गया है। उसके अलावा कोई भी उनकी थ्योरी को काट नहीं पाया है। इसका मतलब क्या है कि उनके पास जरूर हो सकता है, क्योंकि कोई भी प्लैनेट को देख लेना, उसके नेचर को समझ लेना, सारी चीजों को समझ लेना तब तक तो पॉसिबल नहीं है जब तक आपके पास टेलीस्कोप नहीं हो। इसका मतलब पहले हो सकता है टेलीस्कोप भी बना हो, और टेलीस्कोप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेंस। इसका मतलब इंडियंस को पहले लेंस के बारे में भी पता था, तभी ये पॉसिबल हुआ होगा, तभी डिस्टेंस भी मेजर किया गया होगा। तो ये सारी चीजों से पता चलता है कि कहीं ना कहीं टेलीस्कोप के इन्वेंशन में भी शायद इंडिया का हाथ था। इसके अलावा हम लोग अगर देखें सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, इस तरह की जितनी भी चीजें होती हैं इसके बारे में आर्यभट्ट ने बताई है, पंचांग आर्यभट्ट ने बताया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आर्यभट्ट ने सबसे पहले ये चीज बताया है अपनी बुक में कि अगर जो सन है, सन में बहुत सारे ब्लैक स्पॉट्स हैं जिसको हम लोग ब्लैक होल कहते हैं, और वही सन के लाइट का रीजन है, सन उसी लिए लाइव है क्योंकि उसमें वो ब्लैक होल्स हैं, इसीलिए सन खत्म नहीं होता है कभी। और इसी चीज को ब्लैक होल्स थ्योरी के नाम से स्टीफन हॉकिंस ने कुछ साल पहले अपने नाम से पेटेंट लिया है, बट उसे 2000 साल पहले आर्यभट्ट ने ये सारी चीजें क्लियर की थी।
अगर आप बात करें तो नासा जो भी प्लैनेटरी सिस्टम या प्लैनेटरी सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है वो तो 1950 में आया, उससे पहले किसी को पता नहीं था, बट आर्यभट्ट ने तो उससे पहले ही पंचांग बना दिया था जिसके चलते ये सारी चीजें पता चल गई थी, और वो भी इतनी एक्यूरेट चीजें थी कि आज तक वो चीजें एक्यूरेट ही मिल रही है। अगर इक्लिप्स की भी बात करें, सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, नासा तो 1950 के बाद बताता है, हम लोग तो पहले से ही उसको बताते आ रहे थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम का पेटेंट बाइनोमियल ने लिया अपने नाम से, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम को तो आर्यभट्ट ने अपने टाइम पे ही पब्लिश किया था द्विपद प्रमेय के नाम से। अगर आप द्विपद प्रमेय देखेंगे वो बाइनोमियल थ्योरम ही है, सिर्फ नाम अलग है, बट बाद में बाइनोमियल ने उसको अपने नाम से पेटेंट लिया उसका, जिसका नाम रखा बाइनोमियल थ्योरम। इसके अलावा मैं आपको बताऊं पाइथागोरस थ्योरम की अगर बात करें, पाइथागोरस थ्योरम जो है, पाइथागोरस का जो बर्थ हुआ है वो बॉर्न हुए हैं 800 बीसी में, और उससे भी 700 इयर्स पहले अगर हम लोग देखें तो 1500 बीसी में यहाँ पे एक ऋषि हुए हैं महर्षि बोधायन, उन्होंने ऑलरेडी पाइथागोरस थ्योरम को बताया है बोधायन प्रमेय के नाम से, जो x² = p² + b² पढ़ाया जाता है उसी को उन्होंने बताया है, सिर्फ उनका नाम अलग रखा है, कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर उसमें एक्सप्लेन किया है, बाकी वो थ्योरी वही है। और जैसे बताया आधार को ही बेस कहते हैं और लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, तो वही वही थ्योरी है, वही चीजें हैं, बट इसको पहले उन्होंने बताया था, बट बाद में इसको पाइथागोरस ने अपने नाम से इसका पेटेंट किया था। इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रामानुजम ने काफी सारी ऐसी थ्योरी दी है जिससे कि मैथमेटिक्स को समझना बहुत ईजी हो गया है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, कुंभ मेला जो होता है, आपको पता है कुंभ मेला कितने दिन में होता है इंडिया में? कुंभ मेला होता है 12 साल में एक बार। क्यों होता है 12 साल में एक बार कुंभ मेला? कुंभ का मेला 12 साल में एक बार इसीलिए होता है क्योंकि ये जुपिटर के साइकिल पे बेस्ड है। 12 साल में एक बार जुपिटर जो है वो अपना पूरा साइकिल कंप्लीट करता है एक ऑर्बिट पे घूमने का, और उसके बाद फिर से वो उसी राशि में आता है। तो जब जुपिटर उसी राशि में आता है तो फिर से कुंभ का मेला होता है। तो कुंभ का मेला की अगर आप बात करें और जुपिटर की थ्योरी साइकिल के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो जुपिटर के बारे में इसका मतलब है कि हजारों साल पहले से कुंभ का मेला चला आ रहा है, जिसका मतलब हम लोगों को जुपिटर के साइकिल के बारे में भी पता था, और बाद में नासा ने तो 1950 के बाद देना शुरू किया ये सब डिटेल्स, जबकि हजारों सालों से कुंभ का मेला होता रहा है और इंडियंस उसमें जाते रहे हैं, और जुपिटर की पूरी साइकिल के बारे में हम लोगों को इसका मतलब पहले से पता था। तो इससे भी समझ में आता है देखिए कि कुंभ का जो मेला होता है इसके बारे में भी अगर पता है, यानी अगर जुपिटर एक प्लैनेट है उसके बारे में भी अगर पहले से हम लोगों को सारी चीजें पता है, तो इसका मतलब इससे भी ज्यादा एडवांस साइंस के रिसर्चेस पहले भी हुए थे जिसके बारे में पता ही नहीं चला लोगों को कभी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें सोलर एंड लूनर इक्लिप्स की, तो उसको भी जैसे मैंने बताया कि वो भी 1000-2000 साल पहले से ही तो हम लोग पंचांग के थ्रू उस चीजों को समझाते रहे हैं, और वो डेट भी बिल्कुल सेम पड़ता है। तो इसका मतलब कि ये सारी चीजें जो प्लैनेटरी सिस्टम से रिलेटेड स्टडी है वो भी बहुत पहले से इंडिया में हो रही थी। इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और समझाता हूँ। 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले थ्योरी दी है रिलेटिव मोशन की, उसके बाद एडविन ने थ्योरी दी है 1920 में, और ये थ्योरी है एक्सपेंडिंग यूनिवर्स की। 1900 में मैक्स प्लैंक ने थ्योरी दी है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, लाइट के प्रोपेगेशन के बारे में तो पता ही नहीं था 1900 से पहले। 1897 में जे जे थॉमसन ने जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि एटम्स जो है उनको डिवाइड नहीं किया जा सकता, यानी वो अनडिविजिबल है, बट बाद में पता चला कि नहीं, उसको डिवाइड किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन में एटम ब्रेक हो जाता है। ये चीज जो उन्होंने 1897 में बताई है आज से 3000 साल पहले महर्षि कनाद ने ये चीज बताई थी। उन्होंने बताया था कि प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिनका विभाजन संभव नहीं है, और आगे उन्होंने बताया है अणु और परमाणु के बारे में, यानी एटम जो है उसको डिवाइड किया जा सकता है अणु और परमाणु के फॉर्म में, जबकि ये 1897 तक तो यही माना जा रहा था कि उसको डिवाइड किया ही नहीं जा सकता है। आगे और इसको समझने की कोशिश करते हैं। लास्ट 50 इयर्स में जब साइंस में काफी सारे रिवोल्यूशनरी चेंजेस देखने को मिले, तो लास्ट 50 इयर्स में यह बताया गया कि हम लोग एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी में बहुत पीछे हैं।
यानी हम लोगों को एग्रीकल्चर के बारे में कुछ नहीं पता है। बहुत सारी चीजें हैं जिसे यूज करना चाहिए जिससे हम लोग बहुत ज्यादा आउटपुट ले सकते हैं, एग्रीकल्चरल आउटपुट मिल सकता है। उसके लिए बताया गया डिफरेंट केमिकल्स को यूज कीजिए, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स को यूज कीजिए और डिफरेंट केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज कीजिए जिससे कि बहुत अच्छा एग्रीकल्चरल आउटपुट मिलेगा। हुआ क्या उससे? बहुत सारी बीमारियां हैं। आज हम लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मिंग, जहां पे गोबर को यूज किया जाता है और गोबर की खेती होती है। पूरी दुनिया उस टाइम पे हम लोगों को गलत साबित करने पे लगी हुई थी। अभी ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात होती है, अब बात होती है अल्टरनेटिव मेडिसिन की, अब बात होती है हर्बल मेडिसिन की, पहले बात होती थी केमिकल बेस्ड मेडिसिन की, सिर्फ इसी की बात हो रही थी। अभी किसी भी कंट्री में चले जाएं तो हर्बल प्रोडक्ट्स की डिमांड सबसे ज्यादा है, अल्टरनेटिव मेडिसिन की डिमांड सबसे ज्यादा है। इसके अलावा आप छोड़ दीजिए, लास्ट 50-60 ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो लास्ट 50-60 ईयर्स में और भी काफी चीजें हुई। जैसे कि बताया गया था कि अगर हम लोगों को मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ में बढ़ना है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत जरूरी है। इसके लिए पेड़ों को काटा जा रहा था और सारी ऐसी चीजें की जा रही थी कि ज्यादा से ज्यादा जगह पर जंगलों को साफ किया जा रहा था और वहां पर इंडस्ट्रीज बैठाई जा रही थी। आज हम लोग बात करते हैं क्या? आज हम लोग बात करते हैं इको फ्रेंडली चीजों के बारे में। आज हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन की बात करते हैं। आज हम लोग सेव प्लैनेट के लिए बताते हैं कि प्लांटेशन बहुत जरूरी है। तो इन सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ ये भी समझ में आता है कि ये सारी चीजें तो हमने पहले से ही बताई थी और पूरे वर्ल्ड को बताई थी। आज बात होती है नेचर फ्रेंडली डेवलपमेंट की। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हुए, जैसे कहा जाता है कि कास्ट सिस्टम को लेकर के इंडिया में बहुत ज्यादा गलत चीजें फैलाई गई, हायर कास्ट एंड लोअर कास्ट की काफी सारी चीजें थी। ये सारी चीजें ब्रिटिशर्स के आने के बाद ही हुआ, उससे पहले कोई कास्ट सिस्टम को लेकर के इतनी गलत तरीके से किसी चीजों को भी नहीं देखा गया था। उन्होंने ही ये जाति और वर्ण को लेकर के इतने डिफरेंसेस फैलाने शुरू किए थे, क्योंकि संत रविदास जो हुए, संत रविदास वो राम के बहुत बड़े भक्त थे। अगर हम लोग कास्ट वाइज देखे तो वो दलित थे, आज के डेफिनेशन के हिसाब से अगर देखे तो वो लोग तो दलित थे। कबीर अगर देखे तो वो तो जुलाहा थे, तो कबीर को अगर देखे तो आज के हिसाब से ओबीसी थे, बट उनके हजारों हजार भक्त हुए, संत रविदास के हजारों हजार भक्त हुए। तो इसका मतलब कास्ट सिस्टम के साथ में कभी भी ये नहीं था कि हायर कास्ट वाले को ये चीज मिलना चाहिए, लोअर कास्ट वाले को इस चीज का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये शुरू कब से हुआ? ये शुरू हुआ ब्रिटिशर्स से आने के बाद ही, जब उन्होंने डिवाइड एंड रूल लगाया और उसके बाद ये सारी चीजें शुरू की। इसके अलावा अगर हम लोग देखें, लॉर्ड महावीर को ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट माना गया क्योंकि उन्होंने कुछ थ्योरीज ऐसी दी है जो आइंस्टाइन ने कहा है, जो चार्ल्स डार्विन ने कहा है या बाकी लोगों ने कहा है, वो सारी चीजें वो 2600 साल पहले कहकर गए हैं। अगर हम लोग बात करें प्रिंसिपल ऑफ वस्तु स्वभाव, अगर हम लोग इसको समझे, न्यूटन ने बताया ग्रेविटी के बारे में। न्यूटन ने ग्रेविटी के बारे में क्या बताया कि एप्पल गिरा तो उसका मतलब है कि अर्थ ने उसको एक फोर्स के साथ में, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ के पास जरूर होगा जिसके थ्रू उसने उसे खींचा होगा, तभी वो चीज नीचे आई, ऊपर नहीं गई। इसके बारे में न्यूटन ने बताया, न्यूटन की थ्योरी है ग्रेविटी की। बट अगर आप देखें तो वस्तु स्वभाव का सिद्धांत, इसके नाम से भगवान महावीर ने उसे 2600 साल पहले माना था। इसके अलावा अगर आप बात करें स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, महावीर की बहुत सारी थ्योरी काम करती है। अगर आप बात करें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में, जो या रिलेटिव मोशन के बारे में जो आइंस्टाइन बता रहे हैं, वही चीज वो बहुत पहले बता चुके हैं सापेक्ष का सिद्धांत के नाम से। तो ऑलरेडी लॉर्ड महावीर ने इन चीजों के बारे में बताया है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें एम्ब्रियोलॉजी, इसके बारे में पता चला है 1980 के बाद। ये क्या है एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि जैसे ही कोई मदर बच्चे को कंसीव करती है तो उस टाइम पे वो कैसे धीरे 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 बच्चा डेवलप होना शुरू होता है उसके यूट्रस में। इसकी स्टडी 1980s में शुरू हुई है एम्ब्रियोलॉजी के नाम से। बट इसके बारे में भी आपको एविडेंसेस मिल जाते हैं भगवान महावीर के अलग अलग बुक्स में और अलग अलग टेक्स्ट में। तो अगर आप देखेंगे तो ये सारी डेवलपमेंटल चीजें जो आज भी हो रही है, ये सारी चीजें भी बहुत पहले से होती रही, लेकिन ब्रिटिश जब यहाँ पे आए या दूसरे इन्वेडर्स आए और उन्होंने एक एक करके जगहों को लूटा, तो कहा जाता है कि तक्षशिला और नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी उसमें उन्होंने आग लगा दिया। और जब उन्होंने आग लगाया उसमें तो 6 से 7 महीने तक सिर्फ स्क्रिप्ट और टेक्स्ट और स्क्रिप्चर्स जलते ही रहे, और इतनी आग जली थी कि उससे वो लोग अपना खाना भी बना लेते थे।
इतना ज्यादा आग जलता था कि उनको खाना बनाने के लिए भी जो भी वॉरियर्स आए थे उन लोगों को अलग से चूल्हा या चूल्हा की जरूरत नहीं पड़ती थी, उन्हीं आग में वो अपने सामान को रखते थे, पका लेते थे और खाते थे। यानी कितनी ज्यादा नॉलेजेबल चीजें थी जो हमारे पास थी, उन सब चीजों को जलाकर बर्बाद कर दिया गया। तो ये सब तो कुछ बहुत से कॉमन एग्जाम्पल्स है जो मैंने आपको दिए, इसके अलावा और भी आगे हम लोग जानेंगे इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या चीजें हैं और इसको और भी डिटेल्स में करने की कोशिश करेंगे। बट जो जो चीजें मैंने बताई हैं उसे आप नोट कर लीजिए, ईयर के साथ नोट कर लीजिए, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।